हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डॉट कॉम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है, इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासेज आर आर बी एन टी पी सी ग्रुप डी, साथ ही साथ यहाँ पे डी आर डी ओ का एम टी एस का क्लासेज भी कंटिन्यू चल रहा है। दोस्तों, डी आर डी ओ एम टी एस का क्लासेज जो रहता है वो मॉर्निंग में 8 AM में रहता है दोस्तों। और आज से जो एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है, बिहार में जो अमीन का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, अमीन का जो वैकेंसी आया है दोस्तों, एग्जाम होने वाला है, उसका आपका प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ एज पर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग को प्रैक्टिस सेट डेली लगाना होगा और स्टडी इंडिया अड्डा वेबसाइट पर जाकर के यहाँ से उसका PDF भी डाउनलोड कर लेना होगा और सभी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ डील किया जाएगा दोस्तों, जिस तरीका से रेलवे का प्रिपरेशन कराया जा रहा था उसी तरीका से। तो आप लोग डेली हैबिट बनाइए कि 8 PM में लाइव आना है दोस्तों। आज जो है फर्स्ट क्लासेज है आप लोग को, मैं आप लोग को एक ओवरव्यू के लिए आप जो है फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, इसमें आप लोग को लगभग 50 क्वेश्चन आपको GK का मिलने वाला है, ठीक है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन सभी है और आप लोग को लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। और जो सीरियस तरीका से गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हर जगह शेयर करें, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। और क्लासेस के PDF के लिए studyindiadata.com वेबसाइट पर विजिट करें और यहाँ से फ्री में क्लासेस के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लोग साथ साथ में कमेंट करते चलिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जास्कर हिमालय की बात हो रहा है दोस्तों, तो ये आता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। कौन सा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय इसी को बोला जाता है दोस्तों। और ये जो है जास्कर हिमालय जो है इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण जो है किस माध्यम से प्राप्त होता है? वो माध्यम है प्लेसेंटा। कौन से माध्यम से? प्लेसेंटा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। प्लेसेंटा, इसी को अपरा भी बोला जाता है, ठीक है, अपरा हिंदी में बोला जाता है प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा महिला के गर्भाशय में स्थित वह अंग है दोस्तों, जिसमें जिसे भ्रूण की पोषण थैली भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार ने किस वर्ष तक उन्मूलन रखा था, उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा था? हेपेटाइटिस बी की बात हो रहा है, तो ये रखा था दोस्तों 2030 तक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, 2030 तक ये रखा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने 28 जुलाई 2019 को नई दिल्ली विश्वविद्यालय हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम शुभारंभ में ये जो है घोषणा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, डगरिया सीप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली थी? डगरिया सीप की बात हो रहा है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। डगरिया सीप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली थी? वो दोनों शहर का नाम है मुंबई से गोवा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। डगरिया सीप सर्वप्रथम मुंबई से गोवा शहरों के बीच चलाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? उस अधिवेशन का नाम है लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बात है दोस्तों सन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अस्तित्व जो है पारित किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने को कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिस्मार्क युद्धाभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है? वो होगा म्यांमार। म्यांमार इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आईबीएसएमआर की बात हो रहा है दोस्तों। तो ये जो है आपको आई फॉर इंडिया है, ध्यान रहे आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राजील, एस फॉर साउथ अफ्रीका मैरीटाइम, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम, एमएआर फॉर मैरीटाइम, ठीक है। ये तीन कंट्री का है दोस्तों, ब्राजील, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका नौसेनाओं के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास का एक श्रृंखला है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है, निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का एग्जाम्पल नहीं है, उस ईंधन का नाम है नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा? नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जैविक ईंधन बायोफ्यूल ऐसे ईंधन है जो जैविक पदार्थों से प्राप्त होते हैं दोस्तों, और ये जो है आपका नाभिकीय ऊर्जा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर रखा गया है, हैवलॉक द्वीप का जो है नाम चेंज कर दिया गया है, वो चेंज करने के बाद स्वराज द्वीप रखा गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 लोकप्रिय द्वीप का नाम जो है चेंज किया था, जिसमें ये आपका, आपको मैं बता दूं, उसमें जो आपको था दोस्तों हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके उसे स्वराज द्वीप रख दिया गया था, एंड रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था, एक था नील द्वीप उसको भी चेंज करके शहीद द्वीप रखा गया था। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान सही है, सही मिलान की बात कर रहा है तो आप लोग को मिला करके बताना होगा। ये आपका होगा अंग जो है दोस्तों चंपा का था, अंग चंपा का था, काशी वाराणसी, कौशल कौशल श्रावस्ती एंड बत्स तो कौसाम्बी का, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही मिलान होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट 10th नंबर भी मिलान करेंगे आपको एग्जाम में दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन मिलान करने वाला भी एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये सेट मैं जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ये वैसे सेट नहीं है, ये 9 तारीख को एग्जाम हुआ था दोस्तों, 6 महीना में ये हुआ था, उत्पाद दरोगा का ये एग्जाम हुआ था बिहार में, उसी का क्वेश्चन सेट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। कल्प जो है यज्ञ से है, कल्प यज्ञ बिल्कुल। छंद क्या है? छंद शब्दों की उत्पत्ति है। निरुक्त क्या है? निरुक्त जो है आपका मंत्र है। शिक्षा क्या? उच्चारण से संबंधित है। यानी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है, पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है, चलो कमेंट कीजिएगा। पौधा में वो कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि हार्मोन नहीं है दोस्तों, वो हार्मोन है एस्बेसिस अम्ल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एस्बेसिस अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन कहां लागू नहीं है, 73वां संविधान संशोधन आपका जो लागू नहीं है वो है आपका 73वां संविधान संशोधन जो है मेघालय में नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं, मणिपुर में सिर्फ है। ठीक है, यानी नहीं है वो पूछ रहा है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, आपका मेघालय जम्मू कश्मीर नागालैंड में नहीं है, सिर्फ मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिडबी का पूरा नाम क्या है, सभी को पता होगा, फुल फॉर्म पूछ रहा है। सिडबी एक बैंक है दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षी ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है, दक्षी ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। दक्षी ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है, करेक्ट आंसर की बात करते हैं, कश्मीरी हिरन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दक्षी ग्राम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में किया गया था, और यह जम्मू कश्मीर के स्थित श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2018 का आईपीएल जीतने वाली टीम कौन सी है, सभी को पता होगा, कंफ्यूज ना होइएगा और सही से आंसर दीजिएगा। 2018 आईपीएल जीतने वाला टीम कौन था दोस्तों, वो था सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, सीएसके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दें
कि यहाँ पे वर्ष 2018 के 11 में इंडियन आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के विजेता चेन्नई सुपर किंग है। यह टीम आईपीएल में अब तक कुल 3 बार जीत चुका है, जो कि 10, 11 और 18 में ये जीता है। और वर्ष 2019 के आईपीएल में 12वां जो संस्करण हुआ था, इसका विजेता मुंबई इंडियन है। और यह जो है मुंबई इंडियन है, यह टीम अब तक आईपीएल में 4 बार जीत चुका है। कब कब? 13, 2015, 2017 और 2019 में। और आपको पता ही होगा कि यहाँ पे मुंबई इंडियन टीम के जो है कैप्टन रोहित शर्मा थे, एंड सीएसके के महेंद्र सिंह धोनी। ये सभी पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? चलो कौन कीजिएगा, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में दोस्तों 245 है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, कंफ्यूज ना होइएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 यानी 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्यों से चुने जाएंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। और वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई है? ध्यान रहे, आपको वर्ष 2018 की बात हो रहा है, कंफ्यूज ना होइएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद कमेंट कीजिए। वर्ष 2018 में जो चुना गया है, बनीसा पोंस डी लियोन है। ठीक, कौन सा? बनीसा पोंस डी लियोन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 2018 में ये जो है कि मिस वर्ल्ड मेक्सिको की बनीसा पोंस डी लियोन है, और मिस यूनिवर्स 2018 का कौन था? कैट्रियोना ग्रेक, जो कि फिलीपींस के थे। और मिस अर्थ 2018 गुएन फुओंग खां, जो कि वियतनाम के था। और मिस इंडिया 2019 तो पता है कि राजस्थान के सुमन रॉ को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 जो दिया गया है, CSE को दिया गया है। कहने का मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट को दिया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह का वर्ष 2019 में कौन सा जन्मदिवस मनाया गया? गुरु गोविंद सिंह का 2019 में जो जन्मदिवस मनाया गया दोस्तों, वो था 352वीं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूज ना होइएगा, याद कर लीजिएगा। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई है? सिंह सभा की स्थापना किया गया है आपका पंजाब में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 में अमृतसर के पंजाब में किया गया था। पंजाब में जो किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? कृषि मेला 2019 का आयोजन जो हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। कौन सी जगह? न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कृषि मेला 2019 न्यू दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी है? कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी है? उसका नाम है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया दोस्तों भारतीय पहलवान है, जो कि हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करती है। और बजरंग पुनिया कुश्ती खेल में से संबंधित है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और इनको वर्ष 2011 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। और इसके अतिरिक्त 2011 में भी पद्मश्री से नवाजा गया था, और अर्जुन अवार्ड भी इनको मिल चुका है वर्ष 2015 में। इसलिए याद रहे, बजरंग पुनिया आपका ये जो है कुश्ती से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तजकिस्तान की राजधानी कहाँ है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, तजकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तजकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। कौन सी जगह? दुशानबे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य का है? योजना भी खतरनाक है यार, यहाँ पे एक नौकरी एक परिवार योजना की बात हो रहा है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए सिक्किम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिक्किम इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये जो 12 जनवरी 2019 को सिक्किम के तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने जो है वन फैमिली वन जॉब, एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास जो होता है भारत और यूएसए के बीच में होता है, भारत और यूएसए के बीच में ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे और वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल गांव में हुआ था और इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के प्रधान थे और उनकी माता का नाम त्रिशला था और पिछला लिच्छवी नरेश चटक की बहन थी। ये सभी पॉइंट जो है आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना होगा। नेक्स्ट, सिलवास घास का मैदान कहां पाया जाता है? सिलवास घास का मैदान जो पाया जाता है आपका दक्षिणी अमेरिका में। वीडियो को सभी लोग टिल लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कलेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। लोहों को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? लोहा को जंग से बचाने के लिए जो लेप लगाया जाता है वो है जस्ता, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जस्ता का लेप लगाया जाता है और इसी को जो है गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, CaSO4.2H2O का रासायनिक नाम क्या है? आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। CaSO4.2H2O जिप्सम का फॉर्मूला है। किसका? जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रोक्साइड, जिसे सेलेनाइट भी बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन, वास्को डिगामा भारत कब आए थे? वास्को डिगामा भारत आया था दोस्तों, वो कब आया था? 1498 में आया था और वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था। वास्को डिगामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था जो यूरोप से भारत आने का सीधा समुद्री रास्ता खोजने वाला ही प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हॉकी से सुल्तान अजलान शाह एशिया कप एंड आगा खां कप ध्यानचंद ट्रॉफी ये सब हॉकी से है। टेनिस से तो डेविस कप बहुत ही फेमस है एंड आपको मैं बता दूं बैडमिंटन से एक थॉमस कप एंड उबर कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमूर वन अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार के रहने वाले जितने भी स्टूडेंट है सबको पता होना चाहिए। कैमूर आपका कहाँ है दोस्तों? बिहार में पड़ता है, ठीक है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य भारत के बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्यों से नहीं गुजरती? कर्क रेखा की बात किया जाए तो आपको पूरा डिटेल में शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में इस चैनल पे करवाया गया है। जो सीरियस स्टूडेंट होंगे इस चैनल का रेगुलर व्यूअर होंगे उन लोगों को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा से, इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ पंजाब पश्चिम बंगाल झारखंड ये सभी से रिलेट करता है। मिजोरम त्रिपुरा पश्चिम बंगाल राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और झारखंड से गुजरता है, उड़ीसा से नहीं, ऑप्शन का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किस निम्न में से किससे है? सीमा राव की बात हो रहा है दोस्तों तो सीमा राव होगा कमांडो ट्रेनर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सीमा राव मार्शल आर्ट्स में 7वीं डिग्री ब्लैक बेल्ट पाने वाले इकलौती महिला कमांडर ट्रेनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। ट्रेन 18 भारत की पहली बिना इंजन की हाई स्पीड ट्रेन है। ट्रेन 18 भारत की पहली बिना इंजन की हाई स्पीड ट्रेन है दोस्तों, जिसका निर्माण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है और यह ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच 755 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में सफर करती है। और आपको बता दें कि फरवरी 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन का नाम बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया है। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, एशियाई खेल 2018 कहां आयोजित हुआ था? एशियाई खेल 2018 की बात हो रहा है तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा।
एशियाई खेल 2018 जो हुआ था दोस्तों, ये आपका इंडोनेशिया में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमबर्ग शहर में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? वो कौन है जो खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? उसका नाम है घास, हिरन और शेर। ये सभी इन्वायरमेंट में आपको बता दिया गया था बहुत डिटेल में। इन्वायरमेंट का अच्छा लेवल का लेक्चर इस चैनल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से वो चीज देख लीजिएगा जरूर। वैसे यहाँ पे घास जो है आपका क्या है दोस्तों, उत्पादक है, ठीक है, एंड बकरी तो है नहीं, तो यहाँ पे हिरन क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, शेर क्या हो गया, शेर द्वितीय उपभोक्ता हो गया, यानी खाद्य श्रृंखला का ये निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किससे मिला है? 2018 की बात हो रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 जो मिला है अमिताभ घोष को मिला था, ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र का रचना किया गया था, और इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन, जब भी क्वांटम की बात आए तो मैक्स प्लैंक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात है 1900 ईस्वी की, 1900 ईस्वी में मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था, और प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों जो कि फोटोन के रूप में चलते हैं, और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है, ठीक है, ऑप्शन का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? सभी को पता होना चाहिए कपास के लिए जो मिट्टी यूज किया जाता है उस मिट्टी का नाम है आपका काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, ब्लैक सॉयल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नहावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? नहावा सेवा बंदरगाह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नहावा सेवा जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के रूप में जाना जाता है दोस्तों, और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जो कि कोकण क्षेत्र की नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, झरना सोलबर्ग कहाँ का प्रधानमंत्री है? झरना सोलबर्ग कहाँ का प्रधानमंत्री है? ये जो है नॉर्वे का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो लिखा गया है, सब लोग कमेंट कीजिएगा, किनके द्वारा लिखा गया है? ये पी चिदम्बरम के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, पलिनियम चिदम्बरम इनका पूरा नाम है, पी चिदम्बरम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एक राजनीतिक एवं भारत के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री हैं दोस्तों, जिन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है अनडॉटेड सेविंग द आइडिया नामक आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन पे ये, पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? पाक जल डमरू मध्य जो स्थित है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य स्थित है। भारत पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन पे, ये विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ था? विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका अबू धाबी में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता एआई समाचार बाधक किस देश में बनी है? ये बना है आपका चाइना में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है दोस्तों ये समाचार बाधक, चाइना देश में बनी है बौद्धिक। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, 49 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा से के ठीक ऊपर है? इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? इसमें दोस्तों कंफ्यूजन होगा, विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रहा है जो कि समाचार बाधक चाइना में बनी है, बताइए इसमें 49 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? कर्क
कर्क रेखा के ठीक ऊपर जो है आपका, हाँ मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भारत का मणिपुर राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 50 नंबर क्वेश्चन, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी है आपका टेगुसीगल्पा। टेगुसीगल्पा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग इस सेशन को पूरा एंजॉय किए हुए होंगे। आप लोगों के लिए मैं जितना मेहनत करके डाटा कलेक्ट कर स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम को देखते हुए वीडियो बनाता हूं, आप लोगों को ही फर्ज बनता है दोस्तों कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं समझूं कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो मेहनत को कामयाब हो रहा है, ताकि मैं और भी महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है दोस्तों, और जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, और वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मैं जितने भी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं उसका पीडीएफ 2 से 3 दिन के बाद टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूं, तो आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें एंड वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, वहां से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।